لبيك يا رسول الله. ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति सरेंडर समझौता नहीं। आप पूछेंगे कि किसने कहा है ये, किसका बयान है ये, लेकिन इस सवाल से ज्यादा मायने ये रखता है कि हमास से जुड़ी खबर क्या है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या बारूद का काला धुआं छट चुका है? क्या मिसाइलों और गोलियों की तड़तड़ाहट अब शांत हो जाएगी या फिर एक और बड़ा युद्ध दुनिया देखेगी? कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तो किसी को भी नहीं मालूम। बस मालूम है तो ये कि हमास चीफ मर्द गिराया गया। कैसे मारा गया, किसने मारा, इस पर हर कोई खामोश है। ना इसराइल डिफेंस फोर्स कुछ कह रही है और ना ही अमेरिका इस पूरे मामले में कुछ बोल रहा है। तो फिर माजरा है क्या? कौन इसके पीछे है? किसने किया है हमास चीफ को दुनिया से रुखसत? हिला देने वाली इस खबर के सामने आने के बाद ईरान भी गुस्से से लाल हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हनिया का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इस घटना का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच की जा रही है। उधर आसार अब ये नजर आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह यहूदियों के आगे सरेंडर कर सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित हमास का एक शक्तिशाली सहयोगी है और वो भी पूरी ताकत से इसराइल पर हमला कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरफ से हमास ने इसराइल की नाक में दम करने का काम किया तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अपनी हरकतों से इसराइल को दूसरे छोर पर घेरने के काम में लगा है। हमास उसमें मदद कर रहा था। हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, दोनों का ही ईरान समर्थन करता रहा है और दोनों की मदद भी करता रहा है। 7 अक्टूबर बीते साल को इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग हर रोज हिजबुल्लाह के रॉकेट उत्तरी इसराइल में सैन्य चौकियों समेत इसराइली ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में भी ठिकानों को निशाना बनाया और दोनों देशों के सीमावर्ती समुदायों से हजारों लोगों को निकाला गया। आप जानिए कि हिजबुल्लाह कैसे बना। हिजबुल्लाह नाम का एक उग्रवादी समूह का गठन 1982 में लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरान और सीरिया के समर्थन से एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य बल के रूप में किया गया था। ये लेबनान सरकार के भीतर एक राजनीतिक दल के रूप में काम करता है, लेकिन इसके बाहर भी अपने शिया अनुयायियों को सेवाएं देता है और खुद का अर्ध सैनिक बल भी इसने बनाए रखा है। हालांकि हिजबुल्लाह को कोई मान्यता प्राप्त सेना तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके जो आला नेता हैं हसन नसरुल्लाह ने बीते साल ये कहा था कि इनके पास लगभग 1,00,000 लड़ाके हैं और माना जाता है कि ये लेबनान की राजकीय सेना जो है उसकी तुलना में भी ज्यादा ताकतवर और बड़ी लड़ाकू सेना है। हमास और इसराइल की लड़ाई में हिजबुल्लाह क्यों कूदा, ये इस बात से समझ पाएंगे कि 1948 में जब इसराइल की स्थापना हुई थी तब 1,00,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान चले गए थे और वहां उनकी स्थिति दयनीय है। वे अपना सब कुछ गवा चुके हैं। इसराइल का दावा है कि उसने हवाई हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुक्र मार गिराया। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया और इसराइल कई मोर्चों पर लड़ाई भी लड़ रहा है। एक तरफ आज खबर आई हमास चीफ की मौत की तो दूसरी तरफ इसराइल ने मंगलवार को ही हिजबुल्लाह को टारगेट कर बेरूत पर हवाई हमला किया। इसमें अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली सेना यह कह रही है कि उसने गोलान हाइट्स का बदला लेने के लिए बेरूत पर हिजबुल्लाह के कमांडर के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया और उसमें कमांडर को ढेर कर दिया। बता दें कि बीते दिनों इसराइल के कंट्रोल वाले गोलान हाइट्स में लेबनान की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया था जिसमें 12 बच्चों की जान चली गई थी। हमले के बाद से ही इसराइल ने बदला लेने की कसम खा रखी थी और हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतने की धमकी भी तभी उन्होंने दे दी थी। ईरान समर्थित सहयोगी हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी लगभग 2 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और नसरुल्लाह समेत इसके कई नेताओं को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है। अब जानिए हनिया कैसे मारा गया, इसके बारे में भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। सऊदी अरब की न्यूज वेबसाइट अल हदथ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हनिया के निजी आवास पर मिसाइल से हमला किया गया था।
जबकि हमास की तरफ से कहा गया कि हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान आए थे। बता दें कि अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया था और इस हमले में इसराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इसराइल ने गजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की जो अभी भी जारी है। इस कार्रवाई में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल ने गजा के कैंप में एक गाड़ी पर 3 मिसाइलें दागी थी और इस हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 3 पोते पोती और एक ड्राइवर की मौत हुई थी। अब जब हनिया की भी मौत हो चुकी है तो इसराइल के हेरिटेज मंत्री अमिचा एलियाहू ने कहा कि दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है, अब कोई काल्पनिक शांति सरेंडर समझौता नहीं होगा। हनिया कौन थे और जिस संगठन के वो प्रमुख यानी कि चीफ बताए जाते हैं वो हमास क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात हमास की करें तो हमास सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जबकि ईरान शिया मुस्लिम देश कहलाता है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में साझेदार माने जाते हैं। कारण इस्लामिक पॉलिटिक्स है। हमास हमेशा से इसराइल के विरोध में खड़ा दिखाई दिया है, दूसरी तरफ ईरान भी इसराइल का खुला विरोध करता नजर आता है और ऐसे में हमास को ईरान मदद करता ही है। साल 2007 की बात है, फिलिस्तीन में जब चुनाव हुए तो चुनाव में हमास संगठन ने जीत हासिल की और धीरे धीरे हमास ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इस्लामिक देशों से ताल्लुकात और मजबूत कर लिए, फिर चाहे वो ईरान हो तेहरान हो। हालांकि सऊदी अरब से उसके रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो पाए। इसके बाद भी हमास ये चाहता है कि मध्य पूर्व के प्रतिद्वंद्वी देश ईरान और सऊदी आपस में एक रहें। वैसे फिलहाल इसराइल और हमास के बीच अभी संघर्ष चल ही रहा है और इसमें अब तक हजारों लोगों की जान गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। हनिया इस्माइल के बारे में जान लीजिए। हनिया इस्माइल कौन? हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख, फिलिस्तीन प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री। हनिया का उपनाम अबू अल अब्द है और उनका जन्म फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। 1989 में हनिया को इसराइल ने 3 साल के लिए कैद भी किया था और हमास के दूसरे नेताओं के साथ नो मेंस लैंड भेजा था। और ये कौन सी जगह है? लेबनान और इसराइल के बीच में ये जगह है। 1 साल के बाद यहां से हनिया गजा लौटा और हमास आंदोलन का नेता का दफ्तर जो था उसका प्रमुख उसे बनाया गया। उसके बाद काफी उठापटक हुई। हनिया को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री पद से फिर पहले बनाया गया, फिर हटाया गया, लेकिन हनिया ने इसे नहीं माना और फिर सालों बाद 2017 में हनिया को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुन लिया गया था, जबकि अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में ही हनिया को आतंकवादी घोषित कर दिया था। चूंकि गजा में हमास सबसे ताकतवर है और इसराइल से उसकी पुरानी अदावत है, तो हमास की एक सशस्त्र शाखा है और माना जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले इसमें 30,000 लड़ाके थे। ये समूह जिसका नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इसराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। हमास इसराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करता है और इसको खत्म करने की ठाने हुए। हमास की तरफ से यह भी कहा गया कि जो अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम जगत के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है और फिलिस्तीन के लिए सबसे पवित्र स्थान है, उसका इसराइल अपमान करता है और इसीलिए वो उसका कट्टर दुश्मन है।